Hi everyone, and today we will be focusing upon the chapter articles. And as you know, so this plays a very vital part in the part of preparation. And here we will be learning about the definite and the indefinite articles. I have made parts of it. So this session will be all about the definition of articles and the indefinite articles. After this, the next session will be all about the definite articles. Okay, so this will be indefinite, the next part will be definite. Okay, so now before I start my chapter, means I would like to say you that please do like the channel, subscribe the channel, and do share with your friends and your lovable ones. If you want to clear out your queries, or if you want to take the handwritten notes of mine, do give your mail ID in the comment box so that I can revert you back. Okay, so now without hesitating, let's start the chapter. And today's chapter is all about articles. So now see, this is very clear to everyone. Everyone knows that what is an article and how many parts article is divided of. Now simply saying, article is a type of determiner. Okay, article is a determiner, or you can say article is an adjective. It acts as like an adjective. Why I am saying this? Because in adjectives chapter I told you that adjective is something that is used before a noun or a pronoun. Same way, article is also used before a noun. The way adjective is used before a noun, the same way we can use articles before a noun. That's why we can also call it as adjectives. Articles are a type of adjectives, or article are determiners, or you can say mostly act as the determiners type. Okay, so now see, here I have given you the definition. Basically, an article is an adjective. Like adjectives, articles modify nouns. तो एडजेक्टिव क्या आर्टिकल्स क्या करते हैं? आर्टिकल्स एक टाइप का एडजेक्टिव ही है. आप आर्टिकल्स को एडजेक्टिव भी बोल सकते हो. और आर्टिकल्स क्या करता है, किसको मॉडिफाई करता है? नाउन को मॉडिफाई करता है. तो फिलहाल हमारे पास दो आर्टिकल्स हैं. देयर आर ऑल टोटल टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स. ओके, एक तो है आपका इनडेफिनाइट आर्टिकल्स, दूसरा है आपका डेफिनाइट आर्टिकल्स. सो वी आर हैविंग इनडेफिनाइट आर्टिकल्स एंड डेफिनाइट आर्टिकल्स. इनडेफिनाइट मीन्स ए और एन, यूज ऑफ ए और एन. जब हम ए और एन का यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इनडेफिनाइट आर्टिकल. और अगर हम लोग द का यूज करें तो उसको हम लोग बोलेंगे डेफिनाइट आर्टिकल. राइट, इनडेफिनाइट इज ए और एन, एंड डेफिनाइट इज द. नाउ सी, इंग्लिश हैज टू आर्टिकल्स, द एंड ए और एन. द इज यूज टू रेफर टू स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन्स, वेर एज ए और एन इज यूज टू रेफर नॉन स्पेसिफिक और नॉन पर्टिकुलर नाउन. सी, यहाँ पर सिंपल से हम लोग समझते हैं, अगर मैं किसी चीज के बारे में पर्टिकुलरली बात करूं, इफ आई स्पेसिफाई द थिंग, इफ आई पॉइंट आउट द थिंग, ओके, इफ आई एम पॉइंटिंग आउट द थिंग स्पेसिफिकली, आई एम पर्सनलाइजिंग दोज थिंग्स और पर्सोनिफाइंग दोज थिंग्स, आई हैव टू यूज वॉट, दी. बट इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, राइट, इफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग और पर्टिकुलर नाउन्स, देन आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ ए, अदरवाइज एंड. तो अगर हम पॉइंट आउट करें, स्पेसिफाई करें, तो हम लोग द यूज करेंगे. अगर हम लोग पॉइंट आउट ना करें, स्पेसिफाई ना करें, पर्टिकुलर ना बताएं, तो हम लोग ए और एन का यूज करेंगे. सी, ही सॉ द डॉक्टर, ही सॉ द डॉक्टर. यहां पर आप दी लगाए हो, ही सॉ द डॉक्टर. इसका मतलब क्या हुआ? यू आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर डॉक्टर. अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, ही सॉ अ डॉक्टर, दैट मीन्स वॉट, एनी डॉक्टर. अगर आप ए और एन लगाते हो इसका मतलब है कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट अगर आप दी लगाते हो इसका मतलब है वो स्पेसिफिक है. सो हियर वी सॉरी, ही सॉ द डॉक्टर मींस यू आर स्पेसिफाइंग द डॉक्टर, मींस विच डॉक्टर यू हैव गॉन टू सी. एंड अ डॉक्टर दैट इज एनी डॉक्टर, राइट, कोई सा भी डॉक्टर. नाउ बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी मेक यू क्लियर द यूज ऑफ ए और एन. लेट मी मेक यू क्लियर दैट. देखो, जब भी हम लोग ए और एन का यूज करते हैं तो हमको कुछ चीजें दिमाग में रखना है. वी हैव टू कीप सम पॉइंट्स इन आवर माइंड व्हेन वी आर यूजिंग ए और एन इन अ सेंटेंस और बिफोर अ नाउन. सी, हम लोग स्कूल में क्या पढ़े हैं? स्कूल में हम लोग ये पढ़े हैं दैट वेर एवर देर इज अ वोवेल वी हैव टू यूज एन, एंड वेर एवर देर इज अ कॉन्सोनेंट वी हैव टू यूज ए. ये हम लोग पढ़े हैं अभी तक, बचपन से ये पढ़ के आए हैं कि जहां पर वोवेल हो
वहां पर एन लगाएंगे और जहां पर कॉन्सोनेंट हो वहां पर ए लगाएंगे, ठीक है। बट दिस इज नॉट बेसिकली एवरीथिंग, दिस इज नॉट बेसिकली एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज करेक्ट, ये तो करेक्ट ही है कि वोवेल के सामने आन लगता है और कॉन्सोनेंट के सामने ए लगता है, बट हम लोग साउंड के ऊपर भी फोकस करेंगे, वी टू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन दी साउंड, ओके। सो नाउ व्हाट टाइप ऑफ साउंड यू नीड टू फोकस, लेट्स सी, ओके, सी हियर। नाउ सपोज आई राइट एमपी, सपोज आई राइट एमपी, ओके, देन आई रोट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट आई रोट एमपी और एमपी का फुल फॉर्म क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सी हियर व्हाट यू नीड टू फोकस, जब आप एमपी को प्रोनाउंस करते हो, व्हेन यू आर प्रोनाउंसिएटिंग दिस वर्ड एमपी, एमपी, तो आपको प्रोनाउंसिएशन में कैसा साउंड आ रहा है, एमपी, यस और नो? जब आप एमपी को प्रोनाउंस करते हो तो प्रोनाउंसिएशन का साउंड कैसा आ रहा है, ए आ रहा है ना, सो ए इज व्हाट, ए इज अ वोवेल। नाउ प्रोनाउंस दिस वर्ड मेंबर, म, मेंबर, राइट। सो हियर अ कॉन्सोनेंट साउंड इज कमिंग, मेंबर, मेम, एम, मेम, एम ई एम, मेम, गॉट इट। तो जब एमपी प्रोनाउंस करते हो, ये वर्ड भी एम से शुरू हुआ है बट साउंड आ रहा है ए का, बट जब आप मेंबर प्रोनाउंस करते हो, ये वर्ड भी एम से शुरू हुआ है, ये वर्ड भी एम से शुरू हुआ है बट साउंड आ रहा है कॉन्सोनेंट का, गॉट माई पॉइंट। तो मैं ये बताना चाह रही हूं कि अगर वर्ड कॉन्सोनेंट में शुरू हुआ है, अगर एक वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है बट साउंड उसका वोवेल है, बट साउंड उसका वोवेल है, तो भी आप एन लगाओगे, ठीक है। बट अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है और उसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है, तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। क्लियर हुआ? अगर वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है बट साउंड क्या है, वोवेल है, तो हम यूज करेंगे एन। बट अगर एक वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, साउंड उसका भी कॉन्सोनेंट है, तो हम यूज करेंगे ए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग इसको क्लियरली समझे, तो कैसे समझ में, कैसे इसको समझेंगे, आप देख लो। देखो ए ई आई ओ यू, कौन सा हमारा टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं, देर आर ऑल टोटल 26 इंग्लिश अल्फाबेट, आउट ऑफ दिस 5 आर वॉयल्स एंड 25 आर, 21 आर कॉन्सोनेंट्स। So again, this five vowels has been categorized into two category and here also two categories. यहाँ पर कौन आ गया? Mixed vowel और है आपका pure vowel. वैसे ही आपका mixed consonant, फिर आपका आ गया pure consonant. So all total 26 English alphabets, 5 are vowels, 21 are consonants. 5 again categorized into two parts. Mixed vowel, pure vowel, 21 consonants again categorized into two parts, mixed consonant and pure consonant. ठीक है? तो यहाँ पर what do you mean by mixed vowel and what do you mean by pure vowel? Right? देखो vowels क्या है, कौन कौन है, A, E, I, O and U. A, E, I, O and U. So A and I are pure vowels. A and I are pure vowels. Okay. A and I are pure vowels. E, O and U are mixed vowels. A and I को हम लोग pure vowels बोलते हैं और E, O, U को हम mixed vowel बोलते हैं. Why? क्यों? Right. So now let me take some examples of each word. Let me take some example. I wrote European. Okay, I wrote European. Then I wrote egg. Then university. Umbrella. Right? देखो European, इसको प्रोनाउंस करो European, European. यूरोपियन, बहुत लोग इसको यूरोपियन बोलते हैं, तो कैसे आपका साउंड आया, वाई ओ यू, आपका स्पेलिंग तो ई से शुरू हुआ है, वोवेल से, बट आपका साउंड क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है। नाउ एग,
स्पेलिंग किससे शुरू हुआ? ई से साउंड क्या आ रहा है? एग, ए आ रहा है, ए साउंड आ रहा है, राइट। तो यहां पर आपका आपका वर्ड शुरू किससे हुआ है? यू, यूनिवर्सिटी, फिर से आपका आ गया साउंड वाई ओ यू। तो यहां पर आपका वर्ड शुरू हुआ है यू, अम्ब्रेला, बट साउंड कैसे आ रहा है? अम, राइट। मतलब यहां पर देखो, दस द वर्ड और द स्पेलिंग इज स्टार्टिंग विद द लेटर ई, ई, एग में भी ई, यूनिवर्सिटी में भी यू एंड अम्ब्रेला में भी यू। All these words are starting with a vowel. So we need to write an. But if you write an before this, then it will become wrong. इसमें an भी लगेगा, इसमें a भी लगेगा। कुछ words में an लगेगा, कुछ words में a लगेगा। मैंने क्या कहा? That a or an, whenever you are writing before a word, it totally focuses upon the sound. A or an, when you are writing before or when you are using before a word, it totally focuses upon the sound. तो यहाँ पर European का sound कैसे आया? U, Y आया, मतलब Y is a consonant. That's why we need to write a European. Egg, sound कैसे आया? Vowel का A, egg. So we have to use here an. University, university. Sound कैसे आया? U, consonant. We have to write A. Umbrella, umbrella, sound कैसे आया? A, that means vowel, so we have to write here an, right? So a European, an egg, a university, an umbrella. Same goes for I also, sorry, same goes for A, E, I, O. A and I are pure vowels, as I said, E, O and U, so same as like O. Like if I say all, O, W, L, all, A आ रहा है, so an all. One, O N E, one. Okay, the word is starting with O, but the pronunciation is W. W is coming. That means W is a consonant. So we have to write a one-eyed man, right? मतलब A और I से जो भी word शुरू होगा, उसको pure vowel इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो हमेशा an ही लेता है. Their writing is vowel. Their pronunciation is also vowel. But words starting with E, O, U are known as mixed vowel, because if the word is giving you a consonant sound, we have to write there A, and if the word is giving you a vowel sound, we have to write there an. That means mixed vowel means we can use both A as well as an as per according to the requirement of the pronunciation or as per according to the sound, right? सेम गोज फॉर योर कॉन्सोनेंट ऑल्सो, सेम चीज हम लोग कॉन्सोनेंट में भी कर सकते हैं. जैसे कि मैंने लिखा MLA, MP, राइट, MLA, MLA, MP, LLB, राइट. सो ऐसा जब सब वर्ड यूज कर, दैट मीन्स द वर्ड इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट बट द साउंड इज गिविंग यू अ वोवेल सेंस. वर्ड इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट, वर्ड अगर कॉन्सोनेंट से शुरू है बट अगर उसका साउंड वोवेल आ रहा है, वर्ड आपका कॉन्सोनेंट से शुरू है बट साउंड आपका वोवेल आ रहा है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे. एन एम, एन एम एल ए, एन एम पी, एन एल एल बी, राइट, एन एम ए, सॉरी, यस, एन एम ए. बट इसको आप जब अगर इसको फुल फॉर्म में लिखोगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसको इसके सामने आप क्या लगाओगे? अ, राइट, अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देन अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे ही आप उसको यूज करोगे. दैट मीन्स टू बी वेरी क्लियर, इन शॉर्ट व्हाट वी अंडरस्टैंड, इन शॉर्ट वी अंडरस्टैंड दैट इफ, नाउ हियर लेट मी राइट वन साइड स्पेलिंग, अनदर साइड इज योर प्रोनंसिएशन. वन साइड स्पेलिंग, अनदर साइड इज योर प्रोनंसिएशन. ओके, स्पेलिंग इज वोवेल, pronunciation is also vowel. Spelling is consonant, pronunciation is also consonant. Spelling is vowel, pronunciation is consonant. Spelling is consonant, pronunciation is vowel. So my total focus will be on the pronunciation, as I said, right? So agar spelling vowel se shuru hai, pronunciation bhi vowel hai, to hum log word ke samne an lagayenge. स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से शुरू है, प्रोनंसिएशन भी कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग वर्ड के सामने ए लगाएंगे, राइट.
स्पेलिंग आपका वोवेल है, प्रोनंसिएशन आपका कॉन्सोनेंट है, फोकस किस पे करोगे? कॉन्सोनेंट पे, क्यों? क्योंकि वो प्रोनंसिएशन है, स्पेलिंग आपका वोवेल, वोवेल से शुरू हो रहा है, प्रोनंसिएशन आपका कॉन्सोनेंट है, देन वी हैव टू यूज हियर ए। स्पेलिंग इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट, स्पेलिंग इज स्टार्टिंग विद अ कॉन्सोनेंट, बट प्रोनंसिएशन आपका वोवेल है, तो हम लोग इसके सामने यूज करेंगे एन। दैट मीन्स Everything depends upon the pronunciation. Use of a or an is totally depending upon the pronunciation. Pronunciation is vowel, an. Pronunciation is consonant, a. Pronunciation is consonant, a. Pronunciation is vowel, an. Got my point? Spelling is also important, but uses of a or an is totally focused on the sound. Whatever sound the word is producing, accordingly we have to use a, otherwise an. Right, so we are having means we also have a certain letter that is what known as your H, right? H can take A also, H can take an also. So H will come under what? Mixed consonant, right? क्योंकि वो A भी ले सकता है, an भी ले सकता है. But अगर मैं बात करूँ T का, T, C, D, ये सारे आपके pure consonant में आएंगे. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ A लेंगे, क्योंकि इनका spelling भी consonant है और इनका प्रोनंसिएशन भी कॉन्सोनेंट है. क्लियर? नाउ सी द सेम थिंग आई रोट हियर इन द नेक्स्ट स्लाइड. यूजिंग ए और एन डिपेंड्स ऑन द साउंड दैट बिगिंस द नेक्स्ट वर्ड. ठीक है, ए और एन का यूज तभी होगा जब हम लोग साउंड वेरीफाई कर पाएंगे, मतलब उनके साउंड के हिसाब से, प्रोनंसिएशन के हिसाब से हम वर्ड के बिफोर ए और एन का इस्तेमाल करेंगे. Now, A plus singular noun, now whatever I taught you there, whatever I explained you there, the same thing has been written over here, right? तो ये point आप देखो, an plus noun starting with silent H, an R, देखो ये भी H से शुरू हुआ है, but इसको pronounce हम लोग कैसे करते हैं? इसको however तो नहीं बोलोगे ना, इसको कैसे बोलोगे? How you will pronounce this? R, right? So, A is coming, R, A, so that means A is a vowel, that's what we have used the indefinite article an. But when I talk about the word horse, so here H is included, H is not silent here, that's what I added the indefinite article A. That means H will come under a mixed consonant, it can take A also, it can take an also. Sometimes in some words H will remain silent, and in some times in some words H will not remain silent. Now you go through this example, a historical event is worth recording. Ahistorical, इसको तो historical नहीं बोलेंगे ना, ahistorical. So now here it is providing you what? A consonant sound. That's what we have added here, A. Clear? A boy, a car, a bike, a zoo, a dog. यहाँ पर देखो, an elephant, an egg, an apple, an idiot, an orphan. Right? तो यहाँ पर देखो, A plus singular noun beginning with a consonant sound. A user. A user, देखो ये वर्ड आपका यू से शुरू हुआ है, that means a vowel, but it sounds like user, Y is coming, so as Y is coming, so we have to consider it as what? Consonant sound, and we have to write A before that. Clear? Okay, so now moving to the next slide. Okay, now, so whatever is the definition and whatever is the root thing I already explained, ki a or an ka istemal, yahan par to hum log sirf indefinite article hi pad rahe hain, next video mein hum log definite article ki taraf badhenge. Yahan par maine aapko samjhaya ki article hota kya hai, right? Article kya hota hai? Determiner hota hai, aur article adjective ke hisab, adjective ke tarah use hota hai. Articles are adjectives, right? The why it is an adjective, because the way adjectives are used before noun, or adjectives are used to qualify noun, in the same way articles are also used to qualify noun, right? But here articles are of two types, one is your indefinite, another one is your definite. Indefinite is not specific, definite is always specific. Indefinite is a or an, and definite is the, right? And here a or an is used before a certain noun as per according to the pronunciation. What do we means? What according to pronunciation? That means if the spelling is starting with a consonant and the pronunciation is also consonant, you have to use a before that. If the spelling is starting with a vowel and the pronunciation is also vowel, you have to use an before that. But if the spelling is starting with a consonant and the pronunciation is
coming as vowel, then we have to use an. Spelling is starting with a vowel, but the pronunciation is giving you a consonant sound. We have to use a. That means, in short, everything or uses of a or an is totally dependent upon the pronunciation that it creates or the sound that it creates. Okay. Now moving to the next slide, that is the use of indefinite articles. हम कहाँ कहाँ पर indefinite articles और किस तरह से कैसे use करेंगे? Rule number one. The choice between the two indefinite articles a or an is determined by sound. So this I already explained. जो हम लोग a और an use करेंगे कोई noun से पहले, ये total किसके ऊपर depend करता है? Sound के ऊपर, right? तो आप यहाँ पर देख लो, a university, a union, a useful book, a $1 note, a one man army, an MA, a BA. राइट right? तो यहाँ पर तो बी आ रहा है ना, ऐसा नहीं कि हमेशा हर शॉर्ट फॉर्म के पहले एन लग जाए, नहीं. अगर मैंने जो आपको कहा कि अगर वो वोवेल साउंड दे रहा है तो आप एन लगाओ, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है तो आप ए लगाओ. तो एम ए, एम ए, एम पी, एम एल ए, ये सारे क्या आपको वोवेल साउंड दे रहे हैं, तो इसके लिए इसके सामने एन लगेगा. बट बी ए, बी एस सी, ठीक है, ये सारे आपको कॉन्सोनेंट साउंड दे रहे हैं, तो इनके सामने क्या लगेगा? ए लगेगा. क्लियर? सो रूल नंबर वन सबको क्लियर हो गया होगा कि ए और एन का यूज एज पर अकॉर्डिंग टू द प्रोनंसिएशन होता है. प्रोनंसिएशन कॉन्सोनेंट है तो वर्ड के सामने ए लगाओ, प्रोनंसिएशन वॉवल है तो वर्ड के सामने एन लगाओ. क्लियर? रूल नंबर टू, समटाइम्स sometimes the indefinite articles make a proper noun as a common noun. देखो, कभी कभी ये रूल क्या बताता है कि कभी कभी हम लोग एक प्रॉपर नाउन को एक कॉमन नाउन के जैसा यूज करते हैं. कभी कभी हम लोग एक प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन मतलब स्पेसिफिक नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, थिंग, राइट. प्रॉपर नाउन को हम जब कॉमन नाउन के जैसा यूज करेंगे, कॉमन नाउन मतलब क्या, शेयर कर सकते हैं नाम, राइट. कंट्री, सिटी, टाउन, ये सारे कॉमन नाउन है. राम, रवि, हरि, गीता, ये सारे प्रॉपर नाउन है, राइट. तो जब हम लोग एक प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसा यूज करेंगे, व्हेन वी आर यूजिंग अ प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन, देन वी कैन यूज ए और एन, राइट. समटाइम्स मैंने बोला है, समटाइम्स हम लोग प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के जैसा यूज करेंगे, राइट. बट कैसे यूज करेंगे देख लो, पहले इसको पूरा पढ़ लो. ए और एन समटाइम्स मेक्स अ प्रॉपर नाउन अ कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन्स जनरली डू नॉट टेक एनी आर्टिकल्स, बट व्हेन अ प्रॉपर नाउन नीड्स टू बी यूज्ड एज अ कॉमन नाउन, यू मस्ट ब्रिंग ए और एन फॉर इट. ठीक है, मतलब क्या समझे कि प्रॉपर नाउन के कोई नाम के सामने कोई आर्टिकल्स नहीं लगता, बट जब एक नाम एक कॉमन नाउन के जैसा यूज होगा, देन यू कैन यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर दैट. कभी कभी हम द भी लगाते हैं, बट हियर वी आर लर्निंग द रूल्स ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल, सो आई एम क्लियरिंग इट आउट एज पर अकॉर्डिंग टू दिस रूल, राइट. नाउ सी द एग्जाम्पल, ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर. नाउ देखो, प्रॉपर नाउन रवि इज ऑल्सो अ प्रॉपर नाउन. रवि भी एक प्रॉपर नाउन है, बट आप ये नहीं बोल सकते हो ही इज अ रवि. क्यों नहीं बोल सकते हो? बिकॉज रवि इज नॉट अ रिनाउंड पर्सन. रवि को सब लोग नहीं जानते, ठीक है. शेक्सपियर को हम सब जानते हैं. विलियम शेक्सपियर इज द फादर ऑफ इंग्लिश, राइट. शेक्सपियर को हम लोग सब लोग जानते हैं. तो यहाँ पर शेक्सपियर इज व्हाट? शेक्सपियर इज अ प्रॉपर नाउन. और आप यहाँ पर बोल रहे हो ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर. व्हाट माय पॉइंट, मतलब क्या बोल रहे हो? हियर शेक्सपियर डू नॉट रेफर टू द एक्चुअल पर्सन, बट समवन लाइक हिम. जब आप कंपैरिजन कर दे रहे हो कि वो हमारे क्लास का कालिदास है, वो हमारे क्लास का शेक्सपियर है, वो हमारे क्लास का सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली है, जब हम लोग एक मतलब एक रिनाउंड पर्सन के साथ किसी को कंपेयर कर देते हैं, मतलब वो तो एक्यूरेटली पर्सन नहीं है, बट उसके जैसा, ओके, उसके जैसा जब हम लोग बात करते हैं, देन वी कैन यूज ए और एन बिफोर दैट. तो यहाँ पर देखो, ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर. Here he is actually not William Shakespeare, but here you are saying that he thinks वो सोच रहा है कि वो शेक्सपियर है, right? तो यहाँ पर रवि, श्याम, गणेश, गीता, ये सब नहीं ले सकते हो. You can take the name of a renowned person, right? So he thinks he is a Shakespeare. That means here Shakespeare is actually a proper noun,
But here in the statement, it is used as a common noun. Shakespeare is actually a proper noun, but here in this statement, it is used as a common noun. As this proper noun is used as a common noun, that's what we have added A before that. Got my point? Same way, he seems to be an Australian. Australia is a proper noun, but Australian is a common noun because there is only one Australia, but a million of Australians. ठीक है? आपको अगर इस चीज में कोई दिक्कत है या फिर कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी और मैं आपको इसको समझा दूंगी. ठीक है? और इसी से रिलेटेड हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल्स में भी एक रूल पढ़ेंगे. कभी कभी हम लोग द भी यूज करते हैं. कालिदास इज द शेक्सपियर, आना हजारे इज द सेकेंड गांधी, दी भी यूज करते हैं. बट अभी फिलहाल के लिए आप याद रखो, व्हेन अ प्रॉपर नाउन इज यूज्ड एज अ कॉमन नाउन इन अ सेंटेंस, वी कैन यूज ए और एन समटाइम्स बिफोर दैट. ठीक. नाउ रूल नंबर 3. समटाइम्स इनडेफिनाइट आर्टिकल्स आर यूज्ड टू रेफर द नंबर. देखो, कभी कभी हम लोग ए और एन यूज करते हैं कुछ नंबर को रेफर करना. देखो, इफ आई विल से पर क्वेश्चन, पर क्वेश्चन मीन्स वॉट? पर क्वेश्चन मतलब सिंगल क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन मतलब सिंगल क्वेश्चन, वन क्वेश्चन मतलब पर क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन. नाउ वन पर एंड ईच, वन पर एंड ईच, दिस थ्री वर्ड्स रेफर टू समथिंग सिंगल, समथिंग सिंगुलर, राइट? सो वन पर और ईच इक्वल्स टू वन ओनली, वन पर ईच इक्वल्स टू वन, राइट? सो वन इक्वल्स टू ए और एन. हम लोग बोलते हैं ए गर्ल, एन ऑरेंज, मतलब आप वहां पर भी एक को इंडिकेट कर रहे हो. तो जब हम लोग एक स्टेटमेंट में किसी एक चीज को इंडिकेट कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वन, वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटिटी वन. इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन ऑल्सो यूज ए और एन. ए और एन का मतलब भी वन होता है, सिंगुलर रिप्रेजेंटेशन. यहां पर वन पर ईच का मतलब भी वन ही होता है, राइट? सो आई अर्न अ $1,000 इन दैट जॉब. आई अर्न अ $1,000. अ $1,000 मीन्स वॉट? $1,000, राइट? आप अ $1,000 लिखो, ठीक है, आप $1,000 भी लिखो, ठीक है. बट यहाँ रूल देने का मतलब ये है दैट इन प्लेस ऑफ $1,000, इफ वी आर राइटिंग अ $1,000, देन ऑल्सो इट्स नॉट हैविंग एनी एरर इन इट. इट इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. That means one each or per can be replaced by a or an as per according to the pronunciation. Clear? Next, I have a car. A car means what? One car. I have one car. You can say I have a car also, you can say. It goes 50 miles an hour. It goes 50 miles an hour. An hour. An hour matlab 1 hour. You can write per hour, 1 hour, an hour. तीनों ही सही है, राइट? सो वन कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए और एन. पर ईच कैन ऑल्सो बी रिप्लेस्ड बाय ए और एन, बिकॉज बोथ ऑफ देम डिनोट समथिंग पर्टिकुलर, समथिंग सिंगल, राइट? ओके, दैट मीन्स नॉट पर्टिकुलर, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग सिंगुलर. ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. इनडेफिनेट आर्टिकल्स ऑफन प्रिसीड, प्रिसीड मतलब बिफोर. इनडेफिनेट आर्टिकल्स ऑफन प्रिसीड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स मैंने आपको एडजेक्टिव्स चैप्टर में समझाया है. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स मींस डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, राइट? ही इज अ गुड बॉय. नाउ बॉय इज माय नाउन. गुड इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द वर्ड बॉय. दैट मींस गुड इज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. इसके पहले भी हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो एज गुड, गुड, जी इज अ कॉन्सोनेंट, वी हैव टू यूज ए बिफोर दैट. क्या समझे आप? कि जब भी हम लोग कोई एडजेक्टिव यूज करते हैं कोई नाउन के लिए और वो एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा हो वो नाउन को, तो उसके सामने आप ए और एन का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्रोनंसिएशन. सी स्टूडेंट्स, आई एम यूजिंग द वर्ड प्रोनंसिएशन. मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी आप कोई भी वर्ड लिख रहे हो उसके सामने आपको ए और एन का यूज करना है. So that A or an can be used according to the sound. Sound के हिसाब से आप A or an का use करोगे. ठीक है, ऐसे वैसे use मत कर देना कि consonant है तो A लिखना है और vowel है तो an लिखना है. ऐसा नहीं होता. ठीक है, तो he is a good boy. आप तो ऐसा नहीं बोलोगे ना, you cannot say like this that he is good boy. कैसे बोलोगे? He is a good boy. आप ऐसे भी लिख सकते हो, he is a very good boy. Very good boy भी लिखो,
गुड बॉय भी लिखो, ओनली बॉय भी लिखो, ही इज मतलब सिंगल को इंडिकेट कर रहे हो, मतलब आपको क्या लिखना है, अ लिखना है नहीं तो एन लिखना है. ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ बॉय, राइट. सो व्हाट अ नाइस कार, व्हाट नाइस कार तो नहीं बोल सकते हो, व्हाट अ नाइस कार, राइट. ओके नेक्स्ट, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस ऑल. ये बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, इनको मैंने जिस वे में यहाँ पर लिखा है तो आपको इजीली इसको समझ में आ जाएगा, आ जाना चाहिए. और अगर फिर भी इसमें आपको डाउट्स हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में इसको लिखिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आपके पास मेरा नंबर भी है, आप मेरे को मैसेज करिए, क्वेश्चन करिए, तो मैं आपको इजीली उसको आंसर कर सकती हूँ. इसके बाद भी अगर आपको और भी नोट्स चाहिए आर्टिकल्स रिलेटेड, तो आप आपका आईडी, जीमेल आईडी या मेल आईडी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिए, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगी, ठीक है. फाइन, नाउ लेट्स प्रोसीड. रूल नंबर 5, इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद अ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन सच एज 100,000, मिलियन, डजन, कपल एक्सेट्रा. ये भी क्लियर है, ये मैंने ऑलरेडी बता चुका है, पहले बता चुकी हूँ पहले से ही, बट यहाँ पर ये थोड़ा डिफाइंड वे में लिखा हुआ है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड विद अ फ्यू वर्ड्स दैट डिनोट द नंबर ऑफ काउंटेबल नाउन्स. ये तो क्लियर है कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स हम लोग काउंटेबल नाउन पे ही यूज करेंगे, अनकाउंटेबल में यूज नहीं होगा. रिमेंबर दिस पॉइंट दैट इनडेफिनेट आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन्स, नॉट फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, राइट. ओके सो नाउ 100,000, मिलियन, डजन, कपल एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, ये इसको आप काउंट कर सकते हो, दिस आर काउंटेबल नाउन्स, राइट. सो व्हेन दे आर डिनोटिंग नंबर्स दैट वीक ऑफ काउंटेबल नाउन्स यू कैन यूज ए और एन एज पर अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन बिफोर दिस. अ डजन एप्पल्स, अ डजन एप्पल्स इसका मतलब क्या हुआ, वन डजन एप्पल्स, राइट. आई हैव अ 100 पेन्स, आई हैव अ 100 पेन्स, अ डजन एप्पल, अ कपल, राइट, अ मिलियन, राइट. तो ऐसे भी आप ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हो, बट रिमेम्बर दैट वी यूज इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन बिफोर काउंटेबल नाउन्स एंड वी नेवर यूज दिस इनडेफिनेट आर्टिकल्स बिफोर अनकाउंटेबल्स, राइट. ओके नेक्स्ट, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्रैक्शंस, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फ्रैक्शंस एस्पेशली हाफ, हाफ भी तो फ्रैक्शन है ना, 1/2, क्वार्टर, 1/4, राइट. तो जब भी हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में बात करते हैं या फिर एक्सपेशली हाफ, ये एग्जाम्स में ज्यादा फोकस रहता है हाफ, राइट. सो हाफ के बारे में बात कर रहे हैं या फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ और फ्रैक्शंस वी जनरली यूज द इंडेफिनेट आर्टिकल दैट इज ए, बिकॉज एनीवे दिस वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट है तो हम लोग ए ही लगाएंगे, राइट. इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, सीधा सीधा इतना दिमाग में रखना है कि अगर वोवेल साउंड है तो एन लगाना है, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगाना है. एग्जाम्पल्स में आइए, टू एंड अ क्वार्टर मीटर, टू एंड अ क्वार्टर मीटर, ऐसा लग रहा है ये टंग ट्विस्टर है, राइट. टू एंड अ क्वार्टर मीटर, राइट. अच्छा, तो यहां पर देखो, टू एंड अ क्वार्टर मीटर, टू 1/4, क्वार्टर मतलब क्या है, 1/4, तो टू एंड अ क्वार्टर, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, टू एंड क्वार्टर मीटर इज रॉन्ग. 2 1/4 इज सेम एज 2 1/4 मीटर. 3 1/2 मीटर, 3 1/2, 3 1/2 मीटर, अ हाफ, अ क्वार्टर. शी हैज टू रन हाफ अ माइल एवरी डे, हाफ अ माइल एवरी डे. सो हाफ अ माइल, हाफ अ माइल, राइट. तो जहां पर हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं, वेर एवर वी टेक द हेल्प ऑफ फ्रैक्शंस एक्सपेशली हाफ, वी नॉर्मली यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल दैट इज ए. कमिंग टू द नेक्स्ट रूल, व्हेन अ वर्ब इज यूज एज अ नाउन, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, राइट. जब हम लोग एक वर्ब को एक नाउन के हिसाब से और नाउन के जैसा यूज करेंगे. नाउ सी, आप ये सोच रहे होंगे कि वर्ब नाउन कैसे हो सकता है. देखो ये इंग्लिश है, यहाँ पर कुछ कुछ भी कुछ किसी को भी किसी के साथ आप जोड़ सकते हो, राइट. मतलब आप एडजेक्टिव को भी नाउन के जैसा कन्वर्ट कर सकते हो, आप वर्ब को भी नाउन के जैसा कन्वर्ट कर सकते हो. मतलब कभी कभी वर्ब नाउन के जैसा भी काम कर सकता है, कभी कभी एडजेक्टिव नाउन के जैसा भी काम कर सकता है, कभी कभी नाउन एडजेक्टिव के जैसा भी काम कर सकता है. दैट्स डिफरेंट, वो भी आप पढ़ोगे आगे, राइट, एडवांस पार्ट में. बट यहां पर देख लो मैं क्या बोल रही हूँ, दैट व्हेन अ वर्ब, वर्ब मतलब क्या, एक्शन,
इज यूज एज अ नाउन. नाउन मतलब क्या? नेम. इट टेक्स इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर इट. व्हेन अ वर्ब इज यूज एज अ नाउन इट टेक्स इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर इट. जब एक वर्ब एक नाउन के जैसा काम करे तो हम लोग उसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कर सकते हैं. अच्छा, कैसे यूज करेंगे? एग्जाम्पल से आपको बेटर क्लियर हो जाएगा. ही हैज गॉन फॉर अ राइड. ही हैज गॉन फॉर अ राइड. देखो यहां पर मैं आपको समझा रही हूं ये स्टेटमेंट कैसे बन रहा है. राइट, देखो ही हैज गॉन फॉर अ राइड. ये आपको स्टेटमेंट मिला है. बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट मिलते हैं बट एग्जाम्पल्स में आप ऐसे समझो तो आपको इजिली क्लियर हो जाएगा. राइट, देखो मैंने आपको नाउन चैप्टर या फिर बेसिक्स में ही क्लियर किया हूं, मतलब मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया है कि सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट नाउन नहीं तो प्रोनाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन नहीं तो प्रोनाउन होता है. राइट, तो यहां पर आपका सब्जेक्ट कौन है? ही. हैज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब. ध्यान दो, सब्जेक्ट क्या है? ही. हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब. हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब रहता है, सो दियर दिट इज थर्ड फॉर्म, गो वेंट गॉन. राइट, हैज हैव हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म रहता है, सो ही हैज गॉन. फॉर इज व्हाट? प्रेपोजिशन. फॉर अ राइड. राइड क्या है? एक्चुअली राइड जो वर्ड है आपका क्या है? राइड भी तो एक वर्ब है ना, बट यहां पर ये जो राइड वर्ड है ये किसके जैसा यूज हो रहा है? ऑब्जेक्ट के जैसा यूज हो रहा है यहां पर. सो ऑब्जेक्ट विल बी, ऑब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो यहां पर राइड वर्ब है बट ऑब्जेक्ट के जगह है. तो जब राइड एक वर्ब होके ऑब्जेक्ट के जगह है तो वो क्या हो गया? वो इनडायरेक्टली नाउन हुआ. हाँ या ना, वो इनडायरेक्टली नाउन हुआ. तो अगर सिर्फ राइड लिखोगे तो वो तो वर्ब फॉर्म हो जाएगा. तो इसको नाउन फॉर्म बनाने के लिए आप क्या करोगे? आप उसके सामने ए नहीं तो एन ऐड करोगे. राइट, सो ही सब्जेक्ट है, हैज प्लस वर्ब थ्री फॉर्म है, फॉर प्रेपोजिशन है, राइड फिर एक वर्ब आ गया, बट राइड इज रिटन इन द प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट और राइड इज एक्टिंग एज योर ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट मस्ट बी अ नाउन और अ प्रोनाउन. सो द नाउन फॉर्म ऑफ राइड विल बी ए राइड. आप ए और एन ऐड करोगे तो ही तो वो नाउन फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर्म ऑफ नाउन होगा. यस और नो? दैट मीन्स अ राइड. यू हैव टू राइट हियर अ राइड. अ राइड अगर नहीं लिख रहे हो तो स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा. ही हैज गॉन फॉर अ राइड. राइट, ओके. तो यहां पर देखो, आई हैड अ टॉक विद देम. आई हैड अ टॉक विद देम. आई हैड अ टॉक. यू कैन नॉट से आई हैड टॉक विद देम. आई हैड अ टॉक. तो यहां पर आपका क्या हो गया? अ वर्ब एक्टिंग एज अ नाउन. क्लियर? नेक्स्ट, रूल नंबर 8. जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड्स. मेनी, रादर, क्वाइट, सच. आपको पूरा रूल नहीं याद करना है, आपको अब स्पेस प्रैक्टिकली इसको समझना है कि ये क्यों हो रहा है. व्हाई इज दिस हैपनिंग? ओके, मेनी, रादर, क्वाइट, सच. टेक्स अ सिंगुलर नाउन आफ्टर देम. नाउ सी, व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग द वर्ड मेनी, रादर, क्वाइट, अदरवाइज द वर्ड सच, आफ्टर दैट देयर इज अ सिंगुलर नाउन, देन बिफोर दैट नाउन यू हैव टू यूज ए और एन. Many, rather, quite, such, then followed by a singular noun. किसके बाद? Many singular noun, rather singular noun, quite singular noun, such singular noun. अगर ये चार वर्ड कभी भी स्टेटमेंट में आ जाए और इसके बाद एक सिंगुलर नाउन है तो बिफोर दैट सिंगुलर नाउन, बिफोर दैट सिंगुलर नाउन यू हैव टू राइट वॉट? ए और एल्स एन. Many a citizen. It was such a foolish decision. A foolish. It is rather a pity. So now many is the word and citizen is my noun. Citizen is what? Singular. Many citizen. Singular. तो इसके सामने क्या लगा? A लगा. अगर यहाँ पर citizens होता तो A नहीं लगता. It was such a foolish. Such foolish is what? Noun. Singular. A foolish. It is rather a pity. Pity, singular, before that, a. Clear? Next,
indefinite articles not used before uncountable nouns. This I already told you before that we normally use indefinite articles with singular countables. We never use indefinite article with uncountable nouns. So he gave me an advice. He gave me an advice. Okay, so advice is what? Uncountable. आप इसको countable बना सकते हो. He gave me a piece of advice. So a piece. अगर piece word होता तो आप उसके सामने a use कर सकते हो. But here there isn't any word like that. So we have to omit the word an or we have to remove this word. He gave me an advice will become he gave me advice. I will buy a furniture today. Wrong. Furniture is uncountable. Now see. See students, you must be thinking furniture कैसे uncountable हो गया, हम तो count कर सकते हैं furniture को. नहीं बेटा, furniture को count नहीं कर सकते, वो तो uncountable है. Chair, table, dressing table, dining table, इसको आप count कर सकते हो, right? Furniture is uncountable. तो uncountable में मैंने noun में भी बताया था, you cannot use the letter s. Generally it comes singular, right? So I will buy a furniture today is wrong. I will buy furniture today is correct. Okay? Hope so you are getting and you are enjoying. Now this is the last rule of indefinite articles. Now see everything I have given here. आपको और कोई दूसरे book वगैरह prefer करने का जरूरत नहीं है. Book में जो सारे चीजें important है, जो rules है, हम लोगों को questions मिलते हैं, वो सारे rules मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है. तो इसको आप बार बार repeat करके पढ़ते रहो और इसको आपको mug up नहीं करना है, इसको रटना नहीं है. Don't simply mug up. Once you understand the meaning of the things means it will be easy. Whenever it we will be giving getting these questions or related questions of these rules in the exam, it will definitely strike into your mind and you will definitely clear that part. Okay? इसको समझना बहुत ही आसान है और आप इसको patience रख के समझो. अगर आप जल्दबाजी में या फिर स्पीड में इसको पढ़ोगे या फिर जल्दी जल्दी में खत्म कैसे हो जाए या फिर बस एग्जाम्पल देख लो हो गया, ऐसे अगर करोगे तो कुछ नहीं होने वाला. आपको धीरे धीरे समझना है. जब आप सारे चीजें समझ जाओगे तो फिर एक टाइम आएगा जो कि आपको इंग्लिश दोबारा देखना नहीं पड़ेगा, राइट? दैट मीन्स दिस विल बी ऑलरेडी देयर इन योर माइंड एंड द ओनली थिंग एट दैट टाइम व्हाट यू रिक्वायर इज जस्ट व्हाट यू नीड प्रैक्टिस. अगर इसको पढ़ के आप प्रैक्टिस में जाओगे, स्पीड टेस्ट दोगे तो इजिली वो चीजों को आपको इजिली वो चीजें आपको पता चलेगी एंड डेफिनेटली इट विल स्ट्राइक इनटू योर माइंड वंस यू गेट द रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ दिस रूल्स. ओके, नाउ कम बैक रूल नंबर 10. नाउ सी हियर आई हैव गिवन यू सम फ्रेजेस वेयर ए और एन नीड टू बी यूज्ड एंड आई हैव ऑल्सो गिवन सम ऑफ द फ्रेजेस वेयर वी डू नॉट यूज द इनडेफिनेट आर्टिकल्स दैट इज ए और एन. सो ये फ्रेज को जस्ट आपको दिमाग में रखना है, राइट? इसको बार बार यूज करते रहो तो ये दिमाग में आ जाएगा, राइट? सो द फ्रेजेस इन विच वी नॉर्मली यूज और वी जनरली यूज ए और एन इज इन अ फिक्स, अ फिक्स, मेक अ फुट, अ फुट, कीप अ सीक्रेट, सेम लाइक इन अ नट सेल, मेक अ नॉइज, राइट? सो व्हेनेवर यू आर गेटिंग दिस फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस डू नॉट फॉरगेट टू यूज ए और एन बिफोर दैट. समटाइम्स इन एरर डिटेक्शन पार्ट और इन सेंटेंस करेक्शन पार्ट यू विल बी गेटिंग द फ्रेजेस बट द इनडेफिनेट आर्टिकल विल बी मिसिंग इन दैट. सो वेर एवर द इनडेफिनेट आर्टिकल विल बी मिसिंग इन दिस टाइप ऑफ कंटेंट फ्रेजेस यू हैव टू फाइंड द एरर इन दैट पार्ट. ओके, क्योंकि ये जितने फ्रेजेस मैंने लिखा है ये सारे फ्रेजेस में हमको ए और एन या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज करना होता है. बट down to that you can see phrases that do not take indefinite articles. Whenever you are getting this type of phrases you should not have to use the indefinite articles or else in the exam indefinite articles will be included in this and a statement will be framed or a sentence will be framed. So you have to find the error in that part if this type of phrases are consisting a or an in that. Those phrases are to lose heart, to set foot, to give ear, at home. You cannot say at a home, right? At an home, it's absolutely wrong. So by a mistake, it's wrong. Inner danger is wrong. So you should not have to use the a or an indefinite articles in the phrases given in the second phase. Whereas you need to use a or an indefinite articles in the first phase, whatever I have given. Okay. Now let's go through the example. Do not make a noise. So make a noise is a phrase. मैंने कहा था कि make a noise होगा. ये phrase में indefinite articles लगेंगे. But you come to the last example. The house was set on fire. You cannot write the house was set on a fire. ये गलत हो जाएगा, right? तो ये phrases को आपको याद करनी है.
कि जो ऊपर में जो फ्रेजेस दिए हैं तो ये फ्रेजेस में आपका इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज होता है, दैट मीन्स ए और एन, और नीचे में जो फ्रेजेस दिए गए हैं वो इनडेफिनेट आर्टिकल्स नहीं लेते, राइट? सो हियर इन दिस सेशन आई हैव कंप्लीटेड द डेफिनेशन, द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, व्हाट इज एन आर्टिकल, द यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड एवरी रूल रिलेटेड टू द इनडेफिनेट आर्टिकल्स, आई हैव मेड इट क्लियर हियर. अगेन आई एम सेइंग इफ यू फील लाइक एनी क्वेरीज और प्रॉब्लम्स डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन रिवर्ट यू बैक, और एल्स इफ यू हैव एनी क्वेरी एंड यू आर हैविंग माई नंबर डू मैसेज मी और एल्स डू कॉल मी. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी गोइंग टू द डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इट इज दिस मच फॉर टुडे. होप यू आर एंजॉइंग द सेशन.